हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 9। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जाना इंटरव्यू का मीनिंग, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं और क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक इंटरव्यू के। तो ये सब चीज हमने जानी पार्ट वन में। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो पहले आप उसको जाके देखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो अब बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर वन टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइप्स हम यहाँ पर जानेंगे, आप भी साथ में लिखते चलो और समझते भी चलो। नंबर वन टाइप है हमारा एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड। ये वो वाले इंटरव्यूज होते हैं जिनको हम देते हैं एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। सिलेक्शन ऑफ फ्रेश कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंटरव्यूज लिए जाते हैं लोगों के, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। मान लो कुछ वैकेंसीज निकली, आपने उन वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया, उन जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, तो वो आपको बुलाएंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे और आपको जॉब दे देंगे। या फिर आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में या उसी बिजनेस में अगर पहले से काम कर रहे हो तो आपके प्रमोशन के लिए वो इंटरव्यू ले सकते हैं, वो भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कहलाएगा। ठीक है, आपकी पोस्टिंग कहीं और वो कर रहे हैं तो उसमें वो इंटरव्यू लेंगे, वो भी आपका एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंटरव्यू कहलाएगा। ठीक है, इन टाइप हमारा ओरिएंटेशन रिलेटेड। जब आप किसी कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, किसी अच्छे कॉलेज में आप जा रहे हैं या फिर किसी नई नई जॉब पर आप जा रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहां पर आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा जिससे कि आप फेमिलियर हो सके वहां के एनवायरमेंट से, वहां पे किस तरह के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करा जाता है। बस बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है यही होता है कि जो भी एंट्रेंस है यानी कि जिसने भी इंटरव्यू दिया है या फिर वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था, उसका इंटरव्यू वो लेते हैं उस जगह से फेमिलियर करने के लिए, राइट। तो वो हमारा ओरिएंटेशन रिलेटेड इंटरव्यू कहलाता है। नंबर थ्री की बात करते हैं, काउंसलिंग रिलेटेड। काउंसलिंग में क्या होता है, जब आपको समझ नहीं आता कि आप करियर में क्या करें या फिर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए लेकिन आपके पास अभी कुछ भी नहीं, ठीक है, आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उसके लिए आपकी काउंसलिंग करी जाती है, राइट। आपके क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या एबिलिटीज हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस है किसी चीज का, किस किस चीज के बारे में आप नॉलेज रखते हैं, तो वो काउंसलिंग रिलेटेड इंटरव्यूज होते हैं जिसमें आपकी काउंसलिंग होती है कि आपको आगे क्या करना है, क्या आपके लिए ठीक रहेगा, राइट। नंबर फोर्थ है हमारा अप्रेजल। इसमें बेसिकली वर्क परफॉर्मेंस जानने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसको जानने के लिए आपका इंटरव्यू लेंगे, तो उसको हम कहेंगे अप्रेजल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कंप्लेंट्स रिलेटेड। अगर किसी बिजनेस में आप काम कर रहे हैं या फिर किसी अच्छे कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है वहां पर, ठीक है, तो आपका जो इंटरव्यू लिया जाएगा उसमें आप अपनी कंप्लेंट्स को बताएंगे। बेसिकली वो इंटरव्यूज लिए इसलिए जाते हैं जिससे कि वो अपने वर्कर्स की कंप्लेंट्स को सुने, उनकी कंप्लेंट्स को समझें और उसका सॉल्यूशन दें, तो वो हमारे कंप्लेंट्स रिलेटेड इंटरव्यू होते हैं। ठीक, नंबर सिक्स जो हमारा टाइप है वो है मॉडिफिकेशन रिलेटेड। मॉडिफिकेशन यानी कि किसी भी चीज में थोड़ी सी फेरबदल करना, थोड़े से चेंजेस करना। तो एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, सबके सोचने का तरीका अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। तो जब हम किसी जगह पर काम करते हैं, हम चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम सोचते हैं कि यहाँ पर यार कुछ चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि और चीजें अच्छी हो सकती हैं। तो ये जो इंटरव्यूज लिए जाते हैं मॉडिफिकेशन रिलेटेड, ये लिए इसलिए जाते हैं जिससे कि वो सबके आइडियाज को सुन सके कि यहाँ पर क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, क्या हम और अच्छी चीजें कर सकते हैं। तो किसी बिजनेस के अंदर या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आप देखना चाहते हैं, उन चेंजेस को सुनने के लिए और मॉडिफिकेशन करने के लिए ये वाले इंटरव्यूज लिए जाते हैं जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं उनसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एग्जिट रिलेटेड। ये हमने इससे पहले वाले पार्ट में भी जाना था। एग्जिट रिलेटेड यानी कि अगर कोई वर्कर किसी बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता है तो उससे रीजन पूछने के लिए उसका ये वाला इंटरव्यू लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं एग्जिट रिलेटेड। ठीक है, अब वो अपने रीजन बताएगा कि मैं इस बिजनेस को क्यों छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ वो अपने रीजन बताएगा, तो उसके इस रीजन को सुनने के लिए उसका एक इंटरव्यू लेंगे जिसका नाम है एग्जिट रिलेटेड, राइट। आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू के लास्ट टाइप की तरफ जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी एक इंटरव्यू लिया जाता है। अब वो इन्फॉर्मेशन किसकी होगी, जो बिजनेस के अंदर वाले लोग होंगे, ठीक है, या फिर बिजनेस के बाहर वाले लोग भी वो हो सकते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक इंटरव्यू लिया जाता है जिसको हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स थे इंटरव्यू के। आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू जब आप किसी को दे रहे होते हैं या फिर जो आपसे इंटरव्यू ले रहा होता है उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हमें ध्यान में देना है क्योंकि हम कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस चीज को फेस करेंगे, इंटरव्यू को हम फेस करेंगे, तो हमें ध्यान में रखनी कुछ चीजें इंटरव्यू देते समय। और ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी का इंटरव्यू लें तो कुछ चीजें हमें तब भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। थोड़ा इसको पढ़ते हैं। इन सच एन इवेंट देयर इज अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरव्यू। इन तरह के जो इवेंट्स होते हैं इसमें एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है इंटरव्यू का। एंड इंटरव्यू इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन इवेंट। ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन इवेंट होता है जिसमें दो लोग आपस में बात करते हैं, दो तीन कितने भी हो सकते हैं। जो इंटरव्यू देने जाता है वो तो एक ही पर्सन होता है, इससे पहले वाले पार्ट में हमने जाना, लेकिन जो आपका इंटरव्यू लेगा वो एक या दो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले इवेंट में एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उन लोगों के बीच में। जो भी इंटरव्यू के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो भी उसके आउटकम्स होते हैं, वो दोनों ही पार्टीज को बहुत अच्छे से पता होते हैं। क्यों ये इंटरव्यू लिया जा रहा है, क्यों मैं उसका इंटरव्यू ले रहा हूँ, क्यों मैं इसका इंटरव्यू दे रहा हूँ, इससे क्या फायदा होगा, वो दोनों ही पार्टीज को बहुत अच्छे से पता होता है। बोथ द पार्टीज हैव टू बी केयरफुल इन द फॉलोइंग सिचुएशन। दोनों ही पार्टीज को कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। इंटरव्यू के थ्री फेसेस यहाँ पर बताई गई है। नंबर वन ओपनिंग, जब हमारा इंटरव्यू शुरू होगा। नंबर टू द बॉडी, या फिर कह सकते हैं मिडल, इंटरव्यू के बीच वाला पार्ट। नंबर थ्री क्लोजिंग, यानी कि जब इंटरव्यू हमारा खत्म हो रहा होगा। फॉर ऑल द अबव थ्री सिचुएशंस इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आर नेसेसरी व्हिच आर एज फॉलोज।
अगर हमें एक इंटरव्यू देना है ठीक है, तो वहां पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। आप इंटरव्यू किसी का ले रहे हो तब भी आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए अच्छे, और आप इंटरव्यू दे रहे हो तब भी ठीक है, तो दोनों ही पार्टीज के पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होने जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे पहली जो फेस होती है हमारी ओपनिंग या फिर स्टार्ट, जब हमारा इंटरव्यू शुरू होता है या फिर हम किसी का इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले चीज हमारी आती है इंट्रोडक्शन, हमें एक बेसिक सी अपने बारे में चीजें बतानी है, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हमें देना है ठीक है। नंबर टू स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, आप वहां पर क्लियर बिल्कुल आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूं तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, अगर मैं इंटरव्यू दे रहा हूं तो इसका क्या मकसद है इसके पीछे ठीक है। नंबर थ्री हमारा टू स्ट्राइक अ रैपोर्ट विद द इंटरव्यू एंड मेक हिम रिलैक्स्ड, आप दोनों का ही ये कर्तव्य बनता है, आप दोनों की ये ड्यूटी बनती है कि जो भी एनवायरनमेंट आपके आसपास है आप थोड़ा रिलैक्स फील करवाएं दोनों को ही। आप अगर एक इंटरव्यू ही है यानी कि आप अगर इंटरव्यू देने गए हैं तो सामने वाले को आप रिलैक्स फील करवाएं, या फिर अगर आप एक इंटरव्यूअर है जो क्वेश्चन पूछेगा सामने वाले से तो आप सामने वाले को रिलैक्स फील करवाएं। नेक्स्ट हमारा टू मेक द एटमॉस्फेयर कंफर्टेबल एंड रिलैक्स, वही पॉइंट यहाँ पर आ गया कि आप एटमॉस्फेयर को कंफर्टेबल और रिलैक्स बनाएं ठीक है। नंबर टू हमारी जो फेस है वो है मिडल और द बॉडी यानी कि इंटरव्यू के बीच वाली फेस, इसमें क्या होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन, जब आप एक दूसरे से बातें कर रहे हो तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए, आप दोनों एक दूसरे को बताओ कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है जो हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, इससे क्या आउटकम निकल के आएगा, क्या इससे बेनिफिट होगा ठीक है। जो इंटरव्यू ही है जिससे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू देने गए हो तो आपको तो जॉब मिलेगी, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, और जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है उसको हो सकता है कोई सैलरी वगैरह मिले, इस चीज की कुछ पैसे उसको मिले ठीक है। नेक्स्ट है टू लिसन केयरफुली विद पेशेंस, आप दोनों को ही एक दूसरे की बात को बिल्कुल पेशेंस के साथ बिल्कुल सब्र के साथ सुनना है, जब आप चीजों को सही से सुनोगे तभी आप रिस्पॉन्ड कर पाओगे, उसको जवाब दे पाओगे ठीक है। नंबर थ्री हमारा आई कॉन्टैक्ट, जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन करते हो तो आई कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एक अच्छा इंटरेक्शन उससे हो पाता है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो उस टॉपिक से या फिर उस पर्सन से। नेक्स्ट है टू आंसर द क्वेश्चन केयरफुली विदाउट हेजिटेशन, आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए आप उसका बिल्कुल अच्छे से आंसर दोगे। फिर है टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन इफ नेसेसरी, अगर जरूरी है वहां पर तो आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो, अपने जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो आप आंसर दोगे उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो अगर वहां पर जरूरत पड़ रही है तो ठीक है। फिर हमारी थर्ड फेज आती है क्लोजिंग, जब इंटरव्यू खत्म होने वाला होता है तब नंबर वन है टू गिव लास्ट टच टू डिस्कशन, जैसे आप कभी ड्राइंग करते होंगे ठीक है, आपने कभी ड्राइंग करी होगी तो आपने देखा होगा जब आप उस ड्राइंग में कलर कर देते हैं उसके बाद आप एक फिनिशिंग टच देते हैं, आप उस पर ब्लैक कलर से आउटलाइन करते हैं, तो उसी तरह से आपको वहां पर भी एक लास्ट टच देना उस डिस्कशन में, उस कम्युनिकेशन में जो भी आपके बीच में हुआ है, एक इंप्रेशन आपको उस पर्सन पे छोड़ना है जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ठीक है। नंबर टू है टू गिव ओपिनियन, आप अपने ओपिनियन दो उस ऑब्जेक्टिव को लेकर जो भी आपको, जो भी आपका मकसद है, जो आपको जॉब मिलने वाली है या फिर उस इंटरव्यू के बीच में कुछ भी आपके बीच में बातें हुई होंगी ठीक है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपने एक्सचेंज करी है, तो कुछ अपने ओपिनियंस आप उस इंटरव्यूअर को दो। नेक्स्ट है टू अवॉइड अब्रप्ट क्लोजिंग ऑफ द इंटरव्यू, अब्रप्ट यानी कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका इंटरव्यू बिल्कुल अभी अभी शुरू हुआ था और अभी एकदम से खत्म हो गया, तो आप कुछ भी ऐसा ना करें कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि आपका इंटरव्यू बिल्कुल अभी शुरू हुआ है और 10-15 मिनट के अंदर वो खत्म भी हो गया ठीक है, मतलब बुरी तरह से उसकी क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है टू क्लोज द इंटरव्यू विद फेवरेबल कमेंट्स, आप जब अपने इंटरव्यू क्लोज करेंगे तो फेवरेबल कमेंट्स के साथ वो इंटरव्यू आपका क्लोज होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी पॉइंट पर बहस करें एक दूसरे से ठीक है, तो आपके जो भी थॉट्स हैं उस समय उस इंटरव्यू के समय वहां पर मैच होने चाहिए, वो होने जरूरी है, उससे आपके इंटरव्यू की जो एंडिंग होगी वो अच्छी बनेगी ठीक है। नेक्स्ट है थैंकिंग फॉर द इंटरव्यू, जिसने भी आपका इंटरव्यू लिया है आप उसको थैंक यू बोलेंगे। फिर है टू कंफर्म द नेसेसिटी ऑफ सच इंटरव्यू, अब जब आपका इंटरव्यू हो गया तो थोड़ा सा आप कंफर्म करें कि उस इंटरव्यू की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी उसकी जरूरत थी या फिर है, मान लो आपका समय उसने बहुत ज्यादा खराब कर दिया ठीक है, बहुत देर तक कोई पर्सन आपसे क्वेश्चंस पूछता रहा, बहुत ज्यादा आपका समय खराब हो गया और पता चला कि उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला, तो आप कंफर्म करें कि उस इंटरव्यू की कितनी नेसेसिटी वहां पर है ठीक है, या फिर होने वाली है, कितना बेनिफिट आपको उससे मिलने वाला है ठीक है। तो ये थी कुछ चीजें जो आपको तीनों ही फेसेस में ध्यान में रखनी है, एक स्ट्रक्चर था ये इंटरव्यू का बेसिक सा। आगे बढ़ते हैं हाउ टू कंडक्ट एन इंटरव्यू, अब आप कैसे एक इंटरव्यू को कंडक्ट कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले है हमारा Firstly, the interviewer should make a plan for the whole event. अब पहले तो आप ये जानो कि interviewer कौन होता है और interviewee कौन होता है, इसमें confuse मत होना। Interviewer यानी कि जो बंदा questions पूछता है, interviewee जिससे question पूछे जाते हैं ठीक है। तो अब एक interview कैसे conduct किया जाता है वो हम point यहाँ पर जानने वाले। Firstly, the interviewer should make a plan for the whole event. जो ये पूरा event है या फिर कह सकते हैं जो interview है, इसको कौन plan करता है? Interviewer. Interviewer यानी कि जो आपसे question पूछने वाला है, तो एक इंटरव्यू ये पूरे इवेंट को प्लान करता है। फिर नंबर टू हमारा पॉइंट आता है, जनरली द इंटरव्यू ही गेट्स इंपेशेंट टू गिव आंसर्स, जो इंटरव्यू ही होता है जिसको आंसर्स देने होते हैं, यानी कि आप मान लो किसी इंटरव्यू को देने गए हो ठीक है, आपको आंसर देने, तो आप एक इंटरव्यू ही हो,
आपको बहुत ज्यादा हेजिटेशन हो रही होती है क्योंकि आप चीजें थोड़ी सी याद करके आते हो अपने बारे में, मुझे कैसे प्रेजेंट अपने आप को करना है, क्या क्या चीजें मुझे बतानी है, किस तरह से बतानी है, वो सब चीजें आपके दिमाग में चल रही होती है कि ऐसे ऐसे मैं ये सब चीजें बोलूंगा, ऐसे मैं प्रेजेंट करूंगा, ऐसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा अपनी चीजों को, ठीक है, अपनी क्वालिफिकेशन को, अपनी नॉलेज को या फिर किसी भी अपने आइडिया को, तो आप काफी ज्यादा हेजिटेट होते हो। सो इट इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एमिकेबल एंड रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर। तो जो इंटरव्यूअर है यानी कि वो पर्सन जो आपसे क्वेश्चंस पूछने वाला है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि जो आपके आसपास का एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसको बिल्कुल रिलैक्स्ड बनाए, ठीक है, आपको रिलैक्स वो फील करवाए जिससे कि आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन ना हो और आप अच्छे से आंसर्स को दे सको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इंटरव्यूअर शुड नॉट आस्क इररिलेवेंट क्वेश्चन। इररिलेवेंट क्वेश्चन यानी कि जो बेकार के क्वेश्चन हो वो आपसे बिल्कुल भी ना पूछे। आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर क्रिएट्स अ फेवरेबल एटमॉस्फेयर। अगर वो आपसे बिल्कुल सीधे सीधे सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो वो आपके एटमॉस्फेयर को काफी ज्यादा फेवरेबल बना देगा और आप इजीली क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, सम इंटरव्यूअर्स हैव अ हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच। कुछ ऐसे इंटरव्यूअर्स होते हैं जो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं और बहुत ज्यादा बातें वो करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आपसे कम पूछ रहे हैं लेकिन बातें बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इट इज एज इफ देयर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू नो अबाउट द इंटरव्यू बट टू गिव हिम इन्फॉर्मेशन एंड डायरेक्शन। तो जो इंटरव्यूअर है, पहले तो वो ज्यादा बातें ना करे, ठीक है, आपके बारे में बेसिक सी इन्फॉर्मेशन वो ले और साथ ही साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करे, कुछ डायरेक्शन आपको प्रोवाइड करे जिससे कि आप उस इंटरव्यू से आगे निकल के आप जो भी आपका मोटिव है उस इंटरव्यू को क्रैक करने के बाद का वो आप अचीव कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरव्यूअर शुड कंडक्ट द होल इंटरव्यू एज पर अ प्री डिटरमाइंड प्लान। जैसा उसने पहले प्लान किया था कि ये सब चीजें रखनी है, सिंपल सा एक इंटरव्यू बनाना है, उसी तरह से उसको पूरे इंटरव्यू को आगे तक लेके जाए, ठीक है। ऐसा कुछ ना करे कि कुछ अलग से उसने क्वेश्चंस अपने ऐड कर दिए, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम उसने जो सोचा था उससे ज्यादा उसने ऐड कर दिया, ठीक है, या फिर कुछ और टिपिकल सिचुएशन उसने दे दी, तो कुछ भी वो ऐसा ना करे, जैसा उसने पहले से प्लान किया था जितना सिंपल वो कर सके उस इंटरव्यू को उतना वो करे और जितना रिलैक्स वो फील करवा सकता है इंटरव्यूई को उतना वो रिलैक्स उसको फील करवाए। आगे बढ़ते हैं, सम इंटरव्यूज आर अनसक्सेसफुल बिकॉज द इंटरव्यूई डज नॉट लिसन केयरफुली एंड पेशेंटली एंड क्रिएट्स अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शन। कुछ इंटरव्यूज बिल्कुल अनसक्सेसफुल साबित हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्यों, क्योंकि जो इंटरव्यू ही है वो सही से बातों को नहीं सुनता। जो इंटरव्यूअर है वो क्वेश्चन पूछता है लेकिन जो इंटरव्यू है जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो उन क्वेश्चंस को ठीक से नहीं सुनता। और जब हम किसी बात को सुनेंगे नहीं, अभी तक हमने इतने सारे चैप्टर्स पढ़े बिजनेस कम्युनिकेशन के, तो उसमें हमने यही जाना है कि जो लिसनिंग है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है एक कम्युनिकेशन प्रोसेस के बीच में। अगर हम चीजों को ठीक से नहीं सुनेंगे तो हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है, तो बहुत से ऑब्स्ट्रक्शन वहां क्रिएट हो जाते हैं जिससे कि वो इंटरव्यू जो है पूरा अनसक्सेसफुल बन जाता है। If the interviewee listen carefully, the interviewee feels comfortable and wants to provide more helpful information. जो interviewee है जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर वो ठीक से सारी चीजें सुनेगा, सारे क्वेश्चन को सुनेगा, तो उसको comfortable feel होगा कि अब मैं सही से सुन रहा हूँ, मुझे सब कुछ समझ में भी आ रहा है, तो जब मुझे समझ में आ रहा है मैं सुन रहा हूँ तो मैं उसके आंसर भी दे पाऊंगा, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा कंफर्टेबल वो होगा, ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा इंटरव्यूअर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा, इन अ सिंगल पर्सन इंटरव्यू आई कॉन्टेक्ट इज सिग्निफिकेंट। अगर सिंगल पर्सन इंटरव्यू की हम बात करें कि एक पर्सन सामने और एक पर्सन उसके सामने बैठा, मतलब दो लोग बैठे हैं, एक इंटरव्यूई और एक इंटरव्यूअर, तो उसमें आई कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में आई कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैंने आपको बहुत जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, जितनी भी हमने बातें करी है, उसमें मैंने जरूर ये आपको बताया कि आई कॉन्टेक्ट आपका बना रहना चाहिए जिस भी पर्सन से आप बात कर रहे हैं। Smile to mod on approval of others' views, express consent smilingly, etc. and when appropriate are helpful gesture. जब जरूरी हो smile करना तो आप वहां पर smile भी करें, ठीक है। अगर सामने वाला आपने कुछ ideas दे रहा, कुछ opinions दे रहा, तो आप उसके ideas की, उसके opinions की value करें, ठीक है, बिल्कुल भी मजाक उसकी ना बनाए। तो ये gestures काफी ज्यादा helpful रहते हैं, और अगर आप single person से communicate कर रहे हैं तो ये gestures और ज्यादा helpful और ज्यादा beneficial आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है, तो इन gestures का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इंटरव्यूअर मस्ट रेस्पेक्ट द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द इंटरव्यूई। जो इंटरव्यूअर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो इंटरव्यूअर है वो इमोशंस की और फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करे, किसकी, जो इंटरव्यूई है उसकी इमोशंस की भी और उसकी फीलिंग्स की भी रेस्पेक्ट वो करे, ठीक। नेक्स्ट हमारा, इंटरव्यूअर शुड कलेक्ट ऑल पॉसिबल इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जो इंटरव्यूअर है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसका काम क्वेश्चन पूछने का है, वो जितनी भी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन है वो उस इंटरव्यू के दौरान उस इंटरव्यू से कलेक्ट कर ले, यही उसका काम है। फालतू की बातें उससे ना करे, फालतू क्वेश्चन उससे ना करे, जो पॉसिबल इन्फॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो उससे कलेक्ट कर ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ बी कंसाइज शुड बी फॉलोड इन द होल प्रोसेस। होल प्रोसेस यानी कि जो दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, जो उनके बीच में इंटरव्यू चल रहा है, उसको इन्होंने यहाँ पर बोला है होल प्रोसेस, तो उस पूरे ही प्रोसेस में एक प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए जिसका नाम है बी कंसाइज। बी कंसाइज यानी कि जो भी आपके बीच में बातें चल रही हैं, जो डिस्कशन आपके बीच में चल रहा है, वो पूरा आपके कंट्रोल में होना चाहिए, किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट्स वहां पर ना हो, ठीक है। जिस मोटिव के साथ, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आपने उससे क्वेश्चन पूछने शुरू करे थे या फिर आपने आंसर देने शुरू करे थे, उस ऑब्जेक्टिव और उस मोटिव के साथ ही उस इंटरव्यू का एंड होना चाहिए। तो ये एक प्रिंसिपल है बी कंसाइज,
जो कि पूरे ही प्रोसेस में फॉलो होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको ध्यान में रखते हुए एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, फिर चाहे वो एक इंटरव्यूअर हो या फिर इंटरव्यू ही हो, दोनों को इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। इंटरव्यू का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर जाना, जिसमें थ्री फेसेस की हमने बात करी, कौन कौन सी, ओपनिंग, नंबर टू बॉडी या फिर कह सकते हैं मिडल, और नंबर थ्री क्लोजिंग। इन तीनों ही फेसेस में हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है उसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी, और हमने कुछ टाइप्स जाने इंटरव्यू के, ठीक है। तो काफी सारे टाइप्स हमने यहाँ पर जान लिए इंटरव्यू के। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे समझ में आए होंगे और आपने साथ में नोट्स बनाए होंगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे जब ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आने वाली वीडियोस में आगे के टॉपिक्स हम कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।